मजेदार रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी टूटी फूटी केक की रेसिपी। और इस केक को हम बिना अंडे के बनाएंगे, यानी कि आज ये केक हम बनाएंगे एगलेस। और इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। और आप देख सकते हैं केक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, अंदर से काफी ज्यादा मॉइस्ट है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/3 कप के जितना टूटी फूटी। और इसमें हम यहाँ पर डालेंगे लगभग 1 बड़े चम्मच के जितना मैदा। तो मैदा डालने से टूटी फूटी है वो अच्छे से बिल्कुल कोट हो जाएगी, और जब हम इसे केक में डालेंगे तो वो बॉटम में जाकर नीचे बैठ नहीं जाएगा, बिल्कुल अच्छे से सारे केक में ये मिक्स होगा। तो यहाँ पर इसे आप अच्छे से बिल्कुल मैदे से इस तरीके से कोट कर लें। आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं। तो अच्छे से ये कोट हो गया है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1/2 कप बटर। तो बटर अगर हम ग्राम्स में देखें तो 115 ग्राम मैंने बटर लिया है। और बटर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए बटर। तो इसे अब हम यहाँ पर अच्छे से विस्क का यूज़ करके इसे बिल्कुल अच्छे से 1-2 मिनट के लिए हम यहाँ पर फेंटना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से बटर को हम 1-2 मिनट के लिए इसी तरीके से विस्क कर लेंगे। और आप देखेंगे कि बटर का जो कलर है थोड़ा सा लाइट हो गया, काफ़ी क्रीमी हो गया है बटर। तो अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे पाउडर चीनी। तो मैंने यहाँ पे ये ली है 3/4 कप के जितना पाउडर चीनी। नॉर्मल चीनी मैंने ली थी जिसे मिक्सी में डालकर अच्छे से बिल्कुल पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पे ये 3/4 कप मैंने पाउडर चीनी डाली है। अब हम बटर को और चीनी को बिल्कुल अच्छे से 2-3 मिनट के लिए इसी तरीके से विस्क कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल क्रीमी एंड फ्लफी सा एक मिक्सचर तैयार हो। आप चाहें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का यूज करके भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इस क्रीमिंग प्रोसेस से जो हमारा केक है वो काफी सॉफ्ट एंड फ्लफी बनता है। और आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी एंड फ्लफी हमारा मिक्सचर बन गया है। अब इसमें हम दही डाल देंगे। तो दही मैंने यहाँ पे डाली है 1/2 कप। और दही आपको जो यूज करना है वो फ्रेश होना चाहिए। आप बहुत दिनों पुराना खट्टा दही यूज ना करें, तो मैंने ये घर का बना हुआ फ्रेश दही ले लिया है। अगर आप खट्टा दही लेंगे तो आपका जो केक है उसका टेस्ट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अब दही चीनी और बटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्सचर हमारा हो गया अच्छे से तैयार। और अब हम इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसमें हम डालेंगे मैदा। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप, और इसी के साथ हम इसमें 1/2 कप और डाल देंगे मैदा। तो टोटल हमने यहाँ पे 1.5 कप मैदे का यूज किया है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर आप अच्छी सी पैकिंग वाला ही यूज करें, बहुत दिनों का रखा हुआ बेकिंग पाउडर यूज ना करें आप। तो यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर डालेंगे इसमें 1 छोटी चम्मच, यानी कि 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर के साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच के जितना यहाँ पर बेकिंग सोडा। तो मैंने इसमें डाल दिया है ये 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। अब यहाँ पर हम सारी चीज़ों को कुछ इस तरीके से छान लेंगे। सारी चीज़ों को छान कर ही आप इस तरीके से यूज़ करें। और अब हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करें। अगर आप इसे बहुत ही ज़्यादा मिक्स कर लेंगे तो जो आपका केक होगा वो हार्ड बन सकता है। हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है कट एंड फोल्ड की मेथड से। अब इसमें हम डाल देंगे वनीला एसेंस। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच इसमें वनीला एसेंस डाल दिया है। इसी के साथ हम इसमें दूध डालेंगे। तो ये 1/4 कप दूध लिया है मैंने, जो कि रूम टेम्परेचर पर है। तो मैंने 1/4 कप इसमें दूध डाल दिया है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से कट एंड फोल्ड की मेथड से। तो बिल्कुल आप इसे हल्के हल्के हाथों से ही इस तरीके से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर ये बैटर जो हमारा है बिल्कुल अच्छे से बनकर हो गया है तैयार। आप देख सकते हैं बैटर कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। और अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे टूटी फूटी जो हमने बिल्कुल अच्छे से मैदे से कोट करके रखी है। तो मैंने यहाँ पर इसमें ये सारी टूटी फूटी डाल दी है। अच्छे से हम टूटी फूटी डालने के बाद भी इसे मिक्स कर लेंगे। और जो बैटर होता है टूटी फूटी केक का वो थोड़ा सा थिक होता है। नॉर्मल जो केक बनाते हैं जो उसकी कंसिस्टेंसी होती है उससे ये जो बैटर होता है थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी का होता है। अब ये बैटर हमारा हो गया तैयार, तो अब हम इसे टिन में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक केक टिन ले लिया है और इसमें मैंने बटर पेपर लगाकर उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर स्क्वायर या फिर राउंड टिन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये ब्रेड वाला टिन यहाँ पर यूज़ किया है। तो इसे हम बैटर को डालने के बाद अच्छे से बैटर को पूरी टिन में स्प्रेड कर लेंगे इस तरीके से, और इसे स्मूथ कर लेंगे थोड़ा सा ऊपर से।
और एक से दो बार हम इसे अच्छे से कुछ इस तरीके से टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा एयर हो वो बाहर आ जाए। और अब हम इसे गार्निश कर लेंगे थोड़े से टूटी फूटी के साथ। आप चाहें तो कुछ यहाँ पर बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा केक टिन हो गया है पूरी तरीके से तैयार। तो चलिए अब हम इसे बेक करने के लिए डाल देते हैं अवन में। अवन को मैंने यहाँ पे 160 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया है 10 मिनट के लिए और उसमें अब मैंने केक टिन रख दिया है। तो लगभग 50 से 55 मिनट के लिए हम केक को बेक होने देंगे 160 डिग्री पर। अगर आप चाहें तो इस केक को कढ़ाई या फिर प्रेशर कुकर में भी बेक कर सकते हैं। प्रीहीट कर लें पहले उसे और फिर 50 से 60 मिनट में आप इसे लो फ्लेम पर अच्छे से बेक कर लें। तो लगभग यहाँ पर 55 मिनट लग गए हैं और केक हमारा पूरी तरह से बेक होकर तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं केक हमारा बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है और बहुत ही बढ़िया सा इसमें कलर भी आ गया है। तो अब केक को हम ऐसे ही बाहर रख देंगे और इसे हम पूरी तरह से पहले ठंडा होने देंगे, उसी के बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। यहाँ पर लगभग मैंने 1-2 घंटे के लिए केक को पूरी तरह से ठंडा कर लिया है और अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। बटर पेपर लगाने की वजह से आप देख सकते हैं केक बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो गया है। तो इसका बटर पेपर निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं केक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना है। तो अब हम इसे कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे और इसे हम स्लाइस में कट करके सर्व करेंगे। और आप देख सकते हैं अंदर से भी ये केक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड मॉइस्ट है। इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया है अंदर से और बहुत ही अच्छे से केक हमारा बेक होकर हो गया है तैयार। तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको आज की हमारी केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।